हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं ब्लैक होल्स ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसके अंदर से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। टू नो मोर अबाउट ब्लैक होल्स, देखिए मेरा कोर्स ऑन अनअकैडमी, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। यह कोर्स आपको सिर्फ एक घंटे के अंदर ब्लैक होल एक्सपर्ट बना देगा। मंगल ग्रह किसी न किसी कारण से हमारे बीच चर्चा में बना ही रहता है। इसके बारे में लेटेस्ट खबर ये है कि इटालियन रिसर्चर्स ने यह घोषणा की है कि उन्हें मंगल ग्रह के साउथ पोल के नजदीक मौजूद बर्फ के नीचे लिक्विड वाटर का एक लेक मिल गया है। This was done through the analysis of the data acquired by the Italo-US radar MARSIS. It was a long investigation which required a lot of effort, but after several years which it took, we were able to demonstrate that indeed this was the case. The water is found about 1 mile below the surface and in a place close to the south pole, to the geographic south pole of Mars. ये घोषणा 25 जुलाई 2018 को की गई। ये खोज काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इससे पहले तक मंगल पर मौजूद कई स्ट्रक्चर्स और निशानों को देखकर वैज्ञानिकों ने यह अनुमान तो जरूर लगाया था कि मंगल पर किसी जमाने में लिक्विड वाटर प्रचुर मात्रा में मौजूद रहा होगा, या फिर ये भी कि गर्मी के सीजन में कुछ समय के लिए वहां लिक्विड वाटर शायद अभी भी फ्लो करता होगा। पर अभी तक उन्हें वहां लिक्विड वाटर के मौजूद होने के कोई सबूत नहीं मिले थे। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे इस खोज को कैसे अंजाम दिया गया तथा इसके क्या मायने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। जुलाई 2018 को इटालियन रिसर्चर्स के एक ग्रुप ने यह घोषणा की कि उन्हें मंगल ग्रह के साउथ पोल के नजदीक बर्फ के नीचे लिक्विड वाटर का एक लेक मिला है। अपने रिसर्च पेपर को उन्होंने साइंस जर्नल में भी प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने पूरे डिटेल में यह बताया कि उन्होंने इसका पता कैसे लगाया। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि इटालियन रिसर्चर्स ने इस बात का पता कैसे लगाया कि मंगल के साउथ पोल के नजदीक बर्फ के नीचे लिक्विड वाटर का एक लेक मौजूद है। दरअसल यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा छोड़ा गया मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर साल 2004 से आज तक मंगल ग्रह का चक्कर लगा रहा है। इसमें मार्सिस नाम का एक पावरफुल रडार लगा हुआ है, जिसका फुल फॉर्म है मार्स एडवांस्ड रडार फॉर सबसरफेस एटमॉस्फेयर साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट। यह मंगल ग्रह के सरफेस की ओर लो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस छोड़ता है। इनमें से कुछ वेव्स मंगल ग्रह के सतह से टकराकर वापस आ जाते हैं, जबकि कुछ वेव्स मंगल के जमीन के नीचे जाकर वहां मौजूद चीजों से टकरा कर वापस आते हैं। वापस लौटकर आए इन वेव्स को स्टडी करने से हमें पता चलता है कि मंगल ग्रह की सतह कैसी है और इसके अंदर क्या छुपा हुआ है। उसी तरह अगर हमें ये जानना है कि मंगल के साउथ पोल पर मौजूद बर्फ के नीचे क्या है, तो हम उस बर्फ की ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस छोड़ते हैं और देखते हैं कि वहां से टकरा कर वापस लौटकर आए वेव्स से हमें क्या पता चलता है। मंगल के साउथ पोल के एरिया को 3.5 साल स्टडी करने के बाद और वहां से मिले अलग अलग 29 डेटा को ऑब्जर्व करने के बाद वैज्ञानिक ने यह पाया कि वहां सतह से 1.5 किलोमीटर अंदर तक केवल डस्ट और आइस है। पर जैसे ही उन्होंने इसके नीचे के एरिया के रडार के रीडिंग को देखा, तो उन्होंने पाया कि वहां एक खास लेयर है जिसका रिफ्लेक्शन काफी ब्राइट है। उन्होंने पहले इस संभावना पे ध्यान दिया कि कहीं ये जमा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं, पर उन्होंने पाया कि वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। उसके बाद उन्होंने उसके आसपास के डिपॉजिट्स तथा मौजूद टेम्परेचर को एनालाइज किया और अंत में इस नतीजे पर पहुंचे कि वो हाईली रिफ्लेक्टिव लेयर कुछ और नहीं बल्कि लिक्विड वाटर का एक लेक है, जिसमें काफी मात्रा में सॉल्ट्स भी मौजूद हैं। ये एरिया 12 मील यानी कि लगभग 20 किलोमीटर तक फैला हुआ है और ये कितना गहरा है इस बात का पता अभी तक नहीं चल सका है, पर वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी गहराई 1 मील तक हो सकती है। नॉर्मली मंगल के पोल्स पर मौजूद बर्फ लो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मंगल के जमीन या उसके अंदर मौजूद किसी दूसरे सॉलिड मटेरियल की तुलना में कहीं ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। पर मार्सिस ने कई बार ये पाया कि साउथ पोल के नजदीक मौजूद बर्फ के नीचे एक लेयर भी उन लो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा था, जिससे ये साफ हो गया कि वहां कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है।
हमने पृथ्वी में अंटार्कटिका तथा ग्रीनलैंड जैसे बर्फीले इलाकों में भी ये देखा है कि बर्फ के नीचे मौजूद पानी लो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जमीन के नीचे मौजूद किसी सॉलिड लेयर की तुलना में कहीं ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। पृथ्वी पर भी अंटार्कटिका जैसे इलाकों में जहां पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, ये पता लगाने के लिए कि बर्फ के नीचे क्या है, हम इसी रेडार वाली तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इसी का इस्तेमाल करके हमें ये पता चला कि अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे पानी का समुद्र मौजूद है, जिसे हमने बाद में वेरीफाई भी किया। वैज्ञानिक इसलिए भी ये मान रहे हैं कि उन्हें मंगल ग्रह पर जो भी मिला है वो निश्चित रूप से पानी ही है, क्योंकि वहां मिले रेडार के रीडिंग्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पृथ्वी पर हमें अंटार्कटिका जैसे इलाकों में बर्फ के नीचे पानी के मौजूद होने के रीडिंग्स मिलते हैं। अगर ये पानी ही है तो सवाल ये उठता है कि 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान में भी ये लिक्विड फॉर्म में आखिर कैसे है। वैज्ञानिकों को लगता है कि शायद पोल्स पर वाटर आइस ग्लेशियर्स का प्रेशर जमीन के नीचे मौजूद पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देता होगा। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वहां पानी में मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम सॉल्ट्स काफी मात्रा में मौजूद होंगे, जिसके कारण पानी का फ्रीजिंग पॉइंट घट गया होगा। ऐसा होना संभव भी है क्योंकि मंगल पर यह काफी प्रचुर मात्रा में पाए भी जाते हैं। अगला सवाल ये उठता है कि अगर मंगल पर पानी तरल रूप में मौजूद है तो क्या वहां जीवन भी किसी रूप में मौजूद है। दरअसल इसके बारे में हम अभी भी कुछ भी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि मंगल के कंडीशंस किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए काफी हार्श हैं। पर पृथ्वी पर हमने देखा है कि एक्सट्रीमोफाइल्स जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे कंडीशन में भी सरवाइव कर जाते हैं जहां रहना हमें इम्पॉसिबल लगता है। वेस्ट अंटार्कटिका में बर्फ के काफी नीचे भी हमें माइक्रोबियल लाइफ मिले हैं। अगर संक्षेप में कहूं तो जिस लाइफ फॉर्म को हम जानते हैं उसे सरवाइव करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। लिक्विड वाटर, एक एनर्जी सोर्स जैसे कि लीचिंग मिनरल्स जो कि मंगल पर मौजूद है, और एक बायोलॉजिकल सीड। इन तीनों में से पहली 2 चीजें मंगल पर निश्चित रूप से मौजूद हैं। और रही बात अगर बायोलॉजिकल सीड की, तो हमारे पास थ्योरीज तो कई हैं, पर आज भी हम पक्के तौर पर ये नहीं जानते कि पृथ्वी पर जीवन आया कहां से। अगर पृथ्वी पर जीवन आ सकता है तो संभव है कि मंगल पर भी वो आया हो, और अगर वहां ऐसा हुआ होगा तो मंगल पर मिले पानी के उन लेक्स में कम से कम एक्सट्रीमोफाइल्स के अभी भी मौजूद होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो आखिरी सवाल ये है कि क्या हमें सचमुच मंगल पर लिक्विड वाटर मिल गया है? जी नहीं, ये बात हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास इसका कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। हमें जो भी पता चला है वो वहां से भेजे गए डेटा पर आधारित है, जो इस बात का संकेत जरूर देता है कि वहां जमीन के नीचे पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद होना चाहिए। पर वहां पर असल में पानी है या नहीं, इसका पता हमें तभी चल पाएगा जब हमारा कोई लैंडर वहां जाकर इसकी पुष्टि कर दे। चूंकि हमें अभी भी मंगल पर तरल पानी मौजूद होने के कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिले हैं, हमें इस तरह के और भी लेक्स ढूंढते रहने की कोशिश करते रहना चाहिए। मंगल पर असल में पानी मौजूद है या नहीं, इस बात के डायरेक्ट एविडेंस हमें तभी मिल पाएंगे जब हमारा कोई लैंडर वहां जाकर मंगल की जमीन में ड्रिल करके उसका पता लगाए। नासा का इनसाइट मिशन इस काम में मददगार साबित हो सकता है। ये क्या है, इसके बारे में हम पहले ही एक वीडियो में बता चुके हैं। जब तक ऐसा कोई लैंडर मंगल के सतह पर उतर कर वहां ड्रिल नहीं करता, हम वहां से मिल रहे डेटा के आधार पर वहां पर पानी के मौजूद होने का केवल प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूं कि एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।